बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आप मोटरवे देख सकते हैं, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है। यहाँ पर 10 से ऊपर का टाइम हो गया हुआ है और ये धुंध की वजह से बंद की हुई है। अभी हम सारा पंजाब घूमते घूमते सियाल मोड़ पे आकर रुके हुए थे, तो वहाँ से भी मोटरवे बंद की हुई थी। फिर हम नीचे और रास्ते से होते हुए फिर आके कोट मोमेन से मोटरवे खुली थी, वहाँ से हम चढ़े हैं। लेकिन कोई और गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि परली साइड लाहौर जा रही है और ये वाली साइड जिस पे हम जा रहे हैं ये इस्लामाबाद जा रही है। तो कोई गाड़ी नहीं है। 10 से ऊपर का टाइम हो गया हुआ है, धूप निकली हुई है और जो है ना ये लोगों को जलील किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि जहाँ से धुंध हो वो पोर्शन आप बंद कर दें, तो बाकी के पोर्शन तो खुले होने चाहिए। ये तो नहीं कि इस्लामाबाद से लेकर तो सखर तक सारा मोटर भी बंद कर दें और किसी गाड़ी को ऊपर चढ़ने ही ना दें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। तो गाड़ियां तो फिर भी चलती हैं नीचे रस्तों से, दूसरे जो मुतबादल रस्ते हैं, अल्टरनेट रूट्स हैं, उनसे लोग रिस्क लेकर। ये देखें, ये इधर भी बंद है ये मोटरवे, और ये आप देखें गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। और ये देखें, ये यहाँ से मोटरवे बंद है, लोग ये खड़े हैं। तो नाज़रीन, ये देखें सारे ये बंद की हुई है मोटरवे, और ये वो कितनी दूर से कहाँ तक जो है ना ये लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और लोग इधर घंटों बल्कि सारी सारी रात इधर खड़े होने पर रोडों पे मजबूर हैं। नाज़रीन, कोई हमारी ट्रैफिक पुलिस को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम करें कि लाइटिंग का सिस्टम हो जिसकी वजह से धुंध भी हो तो मोटरवे पे रोशनी हो और लोग सफ़र कर सकें। जबकि अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर कोई ऐसा सिस्टम हो कि इसको जैसे अंडरग्राउंड टूर्नामेंट भी होते हैं क्रिकेट के, भी इस तरह का सिस्टम हो कि ऊपर छत डल जाए 15-20 फुट 25 फुट, जो भी जितनी गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ होती है, चौड़ाई लंबाई होती है, लंबाई ऊपर की जाने वो सारा ऊपर करके इसको डाम दिया जाए। फिर इसमें लाइटिंग का सिस्टम हो और इसको ना फिर धुंध की वजह से कोई जो है ना ये उसको बंद करना पड़े, और ना किसी गर्मी और किसी और वजह से, और लोग बासानी सफ़र कर सकें। मैं इस मौजू की जानब काफ़ी अरसे से तवज्जो दिलाना चाहता था। जब से ये मोटरवे बनी है तो लोगों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता बरस भी मैं एक दिन इस्लामाबाद से सदकाबाद के लिए रवाना हुआ, तो ये जो पहला ही टोल प्लाजा है, एंट्रेंस है मोटरवे पे इस्लामाबाद से, उसी से गाड़ियों को रोक दिया गया था। तो वो फिर रात हम सारी जाके पीर बदाई अड्डे पे रहे, रुके रहे, बस में ही सोए। फिर सुबह 8-9 बजे गाड़ी रवाना हुई और फिर हम रात को पहुँचे। तो ये बंदे का टाइम भी इतना ज़ाया होता है, और या फिर गाड़ी मालकान को भी चाहिए कि अगर वो अपनी गाड़ियाँ धुंध में नहीं चलाना चाहते तो फिर कोई ऐसा सिस्टम करें कि गाड़ियाँ चलाएं दिन के टाइम, सुबह गाड़ियाँ रवाना हों, शाम को अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। जबकि ये मोटरवे बनने से पहले तो मुझे तकरीबन 17 साल हो गए इस्लामाबाद आते जाते, तो धुंध में भी हम आते जाते रहे हैं।
कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता था, इक्का दुक्का हादसा तो होते रहते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता था। तो अब यह है कि मोटरवे के सफ़र के लिए या तो कोई इनकी स्पीड कम करवाई जाए कि अगर धुंध है तो स्पीड कम करके उस पर सफ़र जारी रखें, या फिर कोई और इसका मुतबादल तरीका तलाश किया जाए, वरना ये तो मोटरवे तो रहमत की बजाय ज़हमत साबित हो रही है कि सारी सारी रात कंपनियों की बसें रोडों पे खड़ी रहें और लोगों का टाइम भी ज़ाया हो। तो उम्मीद है कि जो मुतालका हुकम हैं वो मेरी इन गुजारिशात पर अमल भी करेंगे और लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए कोई इकदामात भी उठाएंगे ताकि लोग सफ़र के दौरान जो इसकी मुसीबतें और परेशानियां हैं उससे बच सकें। नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली है ये मोटरवे से, और ये आप बहुत खूबसूरत यहाँ पे बागात हैं किन्नू माल्टे के, ये सरगोधा का इलाका है, ये सारे इलाके में ये किन्नू के बागात हैं, फिर गन्ने की फसल भी है, फिर गंदम की फसल भी नज़र आ रही है और ये सरसों की फसल भी नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे काफ़ी तादाद में ये बांस की फसल भी नज़र आई है। जो तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।